So hello everyone, again welcome back to another video of Jarvis Setup. So in last video हमने ये देखा था कि कैसे आप Jarvis के फोल्डर को क्लोन कर सकते हो और कैसे requirement.txt से अपनी सारी requirements को क्लियर अप करके और उसे रन कर सकते हो. बट स्टिल lot of people's getting error related modules, है ना. तो उस चीज़ों को सॉल्व करने के लिए मैंने एक सोल्यूशन निकाल के लेके आया हूँ आपके लिए. तो आपको बस करना ये है कि आपको वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना है, कोई भी स्टेप मिस मत करना, बिकॉज कोई भी स्टेप मिस करोगे तो इसमें आपका लॉस है, बिकॉज कोई एरर आपका मिड में आ सकता है, ठीक है. सो सबसे पहले आपको ये करना है कि Jarvis का ये जो फोल्डर है इसको अपने VS Code के अंदर ओपन कर लीजिए कुछ इस तरीके से, और इस पर टर्मिनल पे जाइए और टर्मिनल में न्यू टर्मिनल में क्लिक कर दीजिए, ठीक है. अभी यहाँ पे न्यू टर्मिनल में क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे आपका जो Jarvis का पाथ है वो सामने शो हो रहा होगा. एंड मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे कि जो आपका पाथ है, ठीक है, वो कुछ इस यहाँ से आपका चेंज हो सकता है, राइट. ये आपका चेंज हो सकता है, आपका यूज़र नेम आ सकता है. मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये आना चाहिए, बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने Jarvis का एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर Jarvis लिखा हुआ है और उसके अंदर ये फाइल से कुछ ऐसा ही दिखना चाहिए, ठीक है, मैच करते रहना. क्योंकि जब आप टू टायर आर्किटेक्चर फोल्डर्स में डाल देते हो सारी चीज़ें तो आपके मॉड्यूल्स इंस्टॉल नहीं हो पाते हैं या फिर कहीं पर फाइल फाउंड इनका एरर आ जाता है. तो अगर आपने कल वाली वीडियो अच्छे से नहीं देखी है तो जाइए और उसे अच्छे से देखिए, और जब आप उसे अच्छे से देख लोगे तो आई एम डैम श्योर आपका भी एग्जैक्टली लाइक ऐसा ही दिखने वाला है, ठीक है. इतना करने के बाद मैं चाहता हूँ कि आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेनी है. अब देखो, मुझे पता है आप लोग अगर स्मार्ट तो आप लोग को पता होगा वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होता है, बट जिन लोग को नहीं पता उनको मैं बता दूँ. तो उसके लिए आपको जैसे आप गूगल पे टाइप करोगे क्रिएट वर्चुअल एनवायरनमेंट, तो यहाँ पे आपके सामने एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आ जाता है पाइथन की तरफ से, जहाँ पे आपको ये बताया जाता है कि कैसे आप वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो, कैसे आप वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट कर सकते हो. लेट सपोज आपको इतना सब कुछ नहीं पढ़ना है क्योंकि आपके काम का तो बस एक दो कोड. तो अब यहाँ पे आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए AI के साथ आपको जाना है कहाँ, ChatGPT पे, राइट. तो यहाँ पे मैं ChatGPT पे जाऊँगा, एक नई चैट ओपन करूँगा और यहाँ पे टाइप करूँगा आई वॉन्ट क्रिएट VENV इन पाइथन, ठीक है. और यहाँ पर मैंने इतना लिख दिया, तो भी क्या करेंगे भाई कि सबसे पहले तो आपको यार देखना होगा कि आपका जो पाइथन है वो सही से चल रहा है नहीं, या पाइथन इंस्टॉल भी है कि नहीं. फिर उसके बाद आपको पाइथन -NV और MyENV, यहाँ पे आप कुछ भी नाम डाल सकते हो, जो बेसिकली आपके एनवायरनमेंट का नेम है. और फिर उसके बाद उसको एक्टिवेट करने के लिए उसका नाम स्क्रिप्ट एक्टिवेट, और फिर उसके बाद ये तीसरा कोड आपको कर देना है. अब यहाँ के इसकी इतना करने का यहाँ से आपको इग्नोर करना है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं ताकि आप अच्छे तरीके से इसे कर पाओ, ठीक है. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा पाइथन स्पेस -- वर्जन. ये करेगा क्या कि मेरे को बता देगा कि इंश्योर करेगा कि हाँ मेरे में पाइथन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड है और इस टर्मिनल पे एक्सेसिबल है, यानी कि उसका पाथ जो है वो सक्सेसफुली यूनिवर्सल एडेड है. अब यहाँ पर मैं करूँगा क्या, लिखूँगा पाइथन -L और यहाँ VENV स्पेस, मैं यहाँ पे MyENV लिख देता हूँ और एंटर कर देता हूँ. जैसे मैंने यहाँ पे एंटर किया, ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक फाइल आ गई होगी VENV के नाम से, ठीक है. कहाँ गया M से तरफ, ओके. सो इधर फाइल्स, आई होप आनी तो चाहिए, देखो ये आ गए, ठीक है, दिखा ये फाइल आ गई. अब इसके अंदर देखो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं, बस ये ध्यान पे जाओ. यहाँ पे देखो LIB नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर पिप नाम का एक फोल्डर है. अब आप क्या करोगे, आपने इसे एक्चुअल में क्या किया, जैसे आपने जब ताज़ा पाइथन डाउनलोड करते हो ना उस टाइप का हो गया, बट अभी भी आप इसे रन करोगे तो क्या इसकी हेल्प से रन होगा, नहीं, इसकी हेल्प से नहीं रन होगा, क्योंकि अभी तक आपने इसे एक्टिवेट नहीं किया. एक्टिवेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक्टिवेट करने के लिए लिखना पड़ता है आपको अपने फोल्डर का नाम, जो आपने फोल्डर बनाया है, स्क्रिप्ट और एक्टिवेट. क्योंकि मैंने ये सेम ही लिखा है तो मैं इसे यहाँ पे विदाउट वेस्टिंग टाइम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा. और यहाँ पे देखो जब भी आप इसे एक्टिवेट करोगे यहाँ पे ये लिख के आ जाएगा, ठीक है, आपके फोल्डर का नेम ग्रीन से और उसके आगे आपका पाथ.
ऑलराइट, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तीसरी बार एक्टिवेट कर दूंगा सो दैट ये यूनिवर्सली काम कर पाए। अब यहाँ पे बोल रहा है कि भाई तुमने ऑलरेडी इसको कर रखा है और सोर्स नाम का ये जो ये है ये एक्टिवेट, ये इसका कोई सेंस नहीं है अभी, ठीक है, क्योंकि शायद इसने बताया है ये किस चीज़ के लिए, ये देखो फॉर मैक ओएस एंड लिनक्स के लिए बताया, ठीक है। ऑलराइट, तो ये विंडोज़ है तो इसमें काम नहीं करेगा ये, ठीक है। तो हमारा जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है वो क्रिएट हो चुका है। अभी अगर मैं इसको रन करने का ट्राई करूँ, लेट सपोज कोई भी ऐप को कर देते हैं या फिर एक काम करो ऐप को नहीं करते हैं, ब्लैंक डेमो डॉट पी वाई, जहाँ पे एक ब्लैंक है ना वाई, अब देखो जब मैं इसे रन कर रहा हूँ तो ये देखो ये भी नॉर्मली ही रन हो रहा है ना, मतलब देखो इसका फाइल का जब पाथ पढ़ो गया तो आप पता चलेगा कि यार ये इसी के अंदर ही रन हो रहा है, ठीक है। तो अब जब आप इसे एक बार रन कर लिए तो अभी आपको सेम चीज़ रिपीट करनी है बस एक्टिवेट करने के लिए, क्योंकि अभी आपने उसे न्यू टर्मिनल में एक्टिवेट किया था, ठीक है। अभी आपको यही जो आपने फोल्डर अभी ऊपर रन किया उसको एक बार रन कर देना है। यहाँ पर देखो जल्दी से ये रन होके आ गया, उसमें बताया कि भाई अभी कोई एरर नहीं आ रहा है क्योंकि आपकी फाइल ब्लैंक है। अब हम ये सारा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं अपने जार्विस डॉट पी वाई के साथ। उसके लिए आपको यहाँ पे अपर की प्रेस करनी है और ये आपका कोड आ चुका है जहाँ पे आपको डेमन डॉट पी वाई की जगह सिर्फ जार्विस डॉट पी वाई लिख देना है और एंटर करना है। अभी मैं चाहता हूँ कि आप एक एक एरर को अच्छे तरीके से समझो। ये देखो अभी ये पहला एरर है आपका, ये दो जो हेडलेस मोड पे हमने क्रोम ड्राइवर को एक्सेस किया था वो दोनों ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, तो ये पहला एरर हो गया। अभी मैं इसे मिनिमाइज करूँगा और फिर इसे मैक्सिमाइज करूँगा सो दैट मैं इसे देख पाऊँ, है ना। I am online, sir. तो अब यहाँ पे इसने स्पीक कैसे किया, क्योंकि स्पीक हम रिक्वेस्ट मॉड्यूल के यानी कि रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू कर रहे हैं, तो रिक्वेस्ट मॉड्यूल डिफॉल्टली उसके अंदर आता है, इसलिए मेरे हिसाब से वो ढंग से काम कर रहा है। हेलो जार्विस, हाउ आर यू? I'm doing well. Thank you for asking. As an AI assistant, I don't have feelings like humans do, but I'm functioning properly and ready to help you with any coding or technical questions you might have. Is there anything specific you'd like assistance with today? Open YouTube, Facebook, Instagram website. Navigating YouTube, Facebook, Instagram website. Let's see. Total RAM, 7.73 gigabytes available RAM, 1.03 gigabytes. यहाँ पे इसने देखो सक्सेसफुली तीनों चीजें 7.73 gigabytes available RAM, 0.42 gigabytes. अब देखो यहाँ पे कि एक बग है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड बग। अभी आप इसे एरर नहीं बोल सकते क्योंकि ये काम कर रहा है, बट ये क्या कर रहा है कि जब ये स्पीक कर रहा है तो ये इस वर्ड को अगेन एंड अगेन खुद बोल के भी उसे सुन रहा है, जिसकी वजह से ग्लिच हो रहा है। तो हमें इसे हटाना पड़ेगा, बट हम इसे एग्जैक्टली थोड़े टाइम के बाद हटा देंगे, बट अभी इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है कि भाई इसी चीज़ को हटाओ पहले, ठीक है। अभी यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं, अभी हम एक एक करके जैसे मैंने ओपन करने का काम देख लिया, ऑटोमेशन यानी कि ओपन करने के सारे फंक्शन चल रहे हैं, जैसे चेक बैटरी परसेंटेज। The device is running on 100% power. Let's suppose anything else we want to do here. Generate image of Iron Man holding a guitar in hand. Image generated successfully. Okay, ये भी ढंग से काम कर रहा है फंक्शन। और किधर गया फंक्शन थे ना हमारे? यहाँ पे आपके पास बहुत सारे फंक्शंस है, राइट। अब जो यूज़ करना चाहो करो, मैंने यार मतलब बहुत ज़्यादा फंक्शंस डाल के रखे हैं एक्चुअल में, ठीक है। और जब भी आपको यूज़ करना हो, चेक वेदर, वेदर पार्टली क्लाउडी टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस
देखो एग्जैक्टली बता रहा है आपको, बस अपना प्लेस डालना है और कुछ नहीं। और यहाँ पर टेक्स्ट टू स्पीच हमारा काम कर रहा है, टाइम ऑप्टिमाइजेशन। अब यहाँ पे कुछ लोगों का एरर आ रहा था, वो एरर इसलिए आ सकता है क्योंकि आपने यहाँ पे ना आपका जो पाथ है वो सही नहीं किया है। तो अभी आपको पाथ सही करने के लिए यहाँ पे क्या करना है कि अगर मैं भी इससे रिलेटेड शेड्यूल से रिलेटेड कुछ चीज़ें बोलूँगा, जैसे कि Tell me to sleep at 7 AM। ये देखो शेड्यूल लेटर शिफ्ट आ रहा है इसके अंदर, बट यहाँ पे अभी हमारी फाइल्स नहीं क्योंकि वो दूसरे फाइल पर से सेव कर रहा है। तो मे बी दिस कैन बी द वन रीज़न जहाँ पे आपको एरर आ रहा है, आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो इसके लिए आपको सिर्फ फाइल का पाथ चेंज करना है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये पाथ था, इसको आपको इससे रिप्लेस कर देना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे शेड्यूल डेटा जो सेव्ड आया, अब यहाँ पे शेड्यूल पे जाओ और यहाँ पे देखो अभी आया नहीं था क्योंकि वो पाथ दूसरा था, ठीक है, और उसको उस पाथ को अभी एक्सेस नहीं करेगा, समझ गए। तो ये रहा व्हाट्सएप डेटा, ये वेदर डेटा, ठीक है। विजन वाला भी हमारा ढंग से काम नहीं कर रहा, मैंने पहले भी इन्फॉर्म किया, बट हम इसे सही कर देंगे टाइम टू टाइम। और इसके अलावा देखो मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर आपको इसके अलावा कोई एरर आता है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए लेट सपोज कि आपने इसे रन किया, ठीक है, और आपको आ गया नो मॉड्यूल नेम, ठीक है, नो मॉड्यूल, ठीक है, नेम। तो अभी यहाँ पे करना क्या है, देखो पहली चीज़ तो ये आपको ट्राई करना है, सबसे पहले फिर इंस्टॉल, और जो मॉड्यूल का नेम नहीं आ रहा है उसको इंस्टॉल करने के लिए उसका नाम, जैसे मैं यहाँ पे प्ले साउंड लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसको रन कर दिया तो ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपका ये इंस्टॉल नहीं होता है, अगर कोई एरर आता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप इसे इतना कॉपी किया करिए जितना एरर आ रहा हो, और इसे चैट जीपीटी का यूज़ करिए एरर सॉल्विंग के लिए, क्योंकि आप अभी इतने ज़्यादा एडवांस नहीं है कि आप इसे हर एरर को सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। तो ऐसे करके एरर सॉल्व करने का ट्राई करिए, उसके बाद भी अगर सॉल्व नहीं होता तो मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर आप उसे सॉल्व करने में अनसक्सेसफुल होते हो तो यहाँ पे आपको कॉपी करना है। मुझे कमेंट्स आप फालतू के मत लिखिए कि ये कर दो, वो कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, ये मत लिखो, उसकी जगह ये लिखो कि भाई ये एरर आ रहा है और इसे इतना पेस्ट कर दो उसके नीचे जाकर, ठीक है, पेस्ट कर दो कमेंट्स में, आई एम वेटिंग, ठीक है। इसीलिए मैं अभी कंसिस्टेंटली वीडियोस डाल रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी एरर आता है तो आप रेगुलर बेसिस पे वीडियोस देखिए और देखने के बाद अपने हिसाब से उसका सेटअप कर लीजिए, ठीक है। ऑलराइट, सो आई होप आपका जो वर्चुअल एनवायरनमेंट था उसकी वजह से आपका एरर सॉल्व हो गया होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एक्सटर्नल मॉड्यूल्स बहुत कम ही डाउनलोड करने पड़ते हैं, और अगर उसके बाद भी करते हैं तो यार मैं आपको बहुत ही जल्द, यानी कि यह हो सकता है कल के वीडियो में या फिर किसी और दिन, मैं एक नई अपडेटेड readme.txt आपको दे दूँगा, requirement.txt दे दूँगा, जिसमें आपको एक्चुअल मॉड्यूल्स विथ, ये भी क्या था, मेरे पीसी की कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स थी, ठीक है। अभी मेरे पीसी की कंप्लीट रिक्वायरमेंट होने के कारण मैंने इसको सारी चीज़ें आप में डाल के रखी थी, सो दैट सेम टू सेम आपका भी पीसी वर्क कर रहा हो, ठीक है। बट राइट नाउ आई डोंट थिंक कि सारी चीज़ों की नीड है, तो मैं उन सारी चीज़ों को हटा के एक नई अपडेट readme.txt लेके आऊँगा और वो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा बहुत ही जल्दी। अगर आप चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो पर।